छाता में रजनीकांत माहेश्वरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सोमवार को आज छाता शुगर मिल के पास भाजपा जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह के नेतृत्व में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी का जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत से भाजपा नेता भगवत स्वरूप पांडे ने छाता की एकमात्र शुगर मिल को चालू कराने के लिए कहा तो क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने बताया कि छाता शुगर मिल को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की है और जल्द ही छाता शुगर मिल चालू होगी। पत्रकारों के दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी से पूछा गया कि लखनऊ से खबर प्रकाशित कराई गई थी कि छाता शुगर मिल चालू है, लेकिन वास्तविक स्थिति में यही छाता शुगर मिल बंद पड़ी हुई है। इस बात को सुनते ही क्षेत्रीय अध्यक्ष चुप्पी साधे हुए हैं नजर आए और कहा कि मैं आज कोकिलावन धाम में दर्शन करने के लिए आया हूं और कार्यकर्ताओं द्वारा भी छाता शुगर मिल चालू कराने के लिए कहा गया है, तो इस विषय पर जरूर बात की जाएगी। इस दौरान भाजपा नेता वेदपाल सिंह, सोनू ठाकुर, कुशल पाल सिंह, शहीद हेमराज मंडल, अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। टाइम्स लर सिंह, मथुरा समाचार 24। बताएं जैसे आप शुगर मिल पर पहुंचे, इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, मैं शुगर मिल नहीं आया हूं, मैं कोसी जा रहा हूं। शुगर मिल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, उन्होंने मेरा स्वागत किया है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि शुगर मिल अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाए, ऐसी कार्यकर्ताओं की मंशा है, तो कार्यकर्ताओं की मंशा को ठेस नहीं पहुंचेगी। जैसे कि लखनऊ से समाचार चल रहे थे कि छाता शुगर मिल चालू हो चुकी है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? मैंने कहा ना कि कार्यकर्ताओं के मन को ठेस नहीं पहुंचेगी। नहीं, समाचार चल रहे थे कि छाता शुगर मिल चालू हो चुकी है, लेकिन ये फिलहाल बंद पड़ी हुई है। चालू होने के लिए बंद पड़ी है, यही मैं बोल रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं के मन को ठेस नहीं पहुंचेगी इस मिल के बारे में। मथुरा में सपा की राष्ट्रीय